वेलकम बैक विद एम नर्सिंग एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे ब्रीथ होल्डिंग स्पाजम क्या होता है। ब्रीथ होल्डिंग स्पाजम का मीन होता है कि सांस को रोककर रखना। ब्रीथ होल्डिंग स्पाजम में अकर इन चिल्ड्रन बिटवीन 6 एज और मंथ। ब्रीथ होल्डिंग स्पाजम मोस्टली 6 साल के बच्चों के अंदर देखने को मिलता है। इट इज ऑब्जर्व टू 5 ईयर ऑफ एज। यह मोस्टली 5 साल की एज में देखा जाता है। इट इज ऑब्जर्व इन रिस्पॉन्स टू फ्रस्ट्रेशन और एंगर ड्यूरिंग दिस कलनरी कॉन्फ्लिक्ट। जब बच्चे के आसपास का इन्वायरमेंट हिंसात्मक होता है, आसपास में कोई लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, तो बच्चा उससे फ्रस्ट्रेट और गुस्से में होकर उसके रिस्पॉन्स में ब्रीथ होल्डिंग कर लेता है, यानी कि सांस को रोक लेता है। द चाइल्ड इज फाउंड विद वायलेंट क्राइंग, हाइपर वेंटिलेशन एंड सडन फॉरगेट ऑफ ब्रीथिंग। चाइल्ड मोस्टली वायलेंट हो जाता है, हिंसात्मक हो जाता है, क्राई करने लगता है, रोने लगता है और हाइपर वेंटिलेटेड हो जाता है और सडनली अपना सांस लेने की प्रोसेस जो है उसको भूल जाता है और एक्सपायरेशन साइनोसिस, उसकी स्किन का कलर नीला पड़ जाता है। रिगिडिटी, उसे चक्कर वगैरह आने लगते हैं। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, उसकी कॉन्शियसनेस पावर है वो खो जाती है। टिकिंग एंड टोनिक क्लोनिक मूवमेंट, उसकी हिलने डुलने की जो मूवमेंट है वो भी मोस्टली खो जाती है, नहीं पाई जाती। चाइल्ड में बी लिम्ब एंड लुक पैलर एंड लाइफ लेस, बच्चे की स्किन का कलर पीला पड़ जाता है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं और बच्चा लाइफ लेस भी हो सकता है, उसकी लाइफ को खतरा भी हो सकता है। आगे है, देयर मे बी स्पाजम ऑफ लैरिंगल मसल्स, दीज अटैक लेस और 1 और 2 मिनट। स्पाजम की यह कंडीशन 1 और 2 मिनट, 1 या 2 मिनट से ज़्यादा तक भी हो सकती है। इसके अंदर लैरिंगल मसल्स हैं उनके ऊपर फोर्स पड़ता है। देन ग्लोस्टिस, जब यह कंडीशन खत्म हो जाती है देन ग्लोस्टिस रिलैक्स हो जाते हैं और ब्रीथिंग फिर से रिज्यूम हो जाती है, ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाती है विद नो रिजिबल इफेक्ट और बच्चे के ऊपर इसका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है जब बच्चे की ब्रीथिंग फिर से शुरू हो जाती है। आगे है, इसके प्रिवेंशन क्या क्या है। पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स बिकम वेरी एंजियस विद इन दिस अटैक। इस अटैक के बाद में पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स बहुत ज़्यादा एंजियस, चिंता में पड़ जाते हैं। अटैम्प्ट टू प्रिवेंट द स्पेल इज यूजुअली नॉट सक्सेसफुल। क्या है कि ब्रीथ होल्डिंग, सांस रोक कर रखने की जो कंडीशन है उससे बचने के सभी उपाय मोस्टली सक्सेसफुल नहीं होते हैं। आइडेंटिफिकेशन और करप्शन ऑफ पार्टिसिपेटिंग फैक्टर, इन्वायरमेंट, इमोशनल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। क्या होता है कि ज़्यादातर ब्रीथ होल्डिंग स्पाजम की कंडीशन को इमोशनल और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। ओवर प्रोटेक्टिव नेचर ऑफ पेरेंट्स में भी इंक्रीज इन रिस्पॉन्सिबल डिमांड ऑफ चाइल्ड। कहता है कि पेरेंट्स का ओवर प्रोटेक्टिव नेचर, ज़्यादा सुरक्षा देने वाला नेचर है, वो बच्चे की अनरिस्पॉन्सिबल मांग को, डिमांड को इंक्रीज कर सकता है। पनिशमेंट इज इनअप्रोप्रिएट एंड मे कॉज अनदर एपिसोड। बच्चे को बार बार सजा देना उचित नहीं होता है, इससे उसके अंदर दूसरा अटैक भी आ सकता है। रिपीटेड अटैक ऑफ स्पैन नीड टू बी इन्वॉल्व विद केयरफुल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड कन्वर्जिव डिसऑर्डर और एनी अदर प्रॉब्लम। क्या होता है कि बार बार ब्रीथ होल्डिंग करने की, बार बार ब्रीथ होल्डिंग करना बच्चे के द्वारा, तो उसके लिए हमें आवश्यकता होती है कि हम बच्चे की केयरफुली हिस्ट्री लें, फिजिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए और नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि बच्चे को कोई कन्वर्जिव डिसऑर्डर या एनी अदर प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे नेक्स्ट डिजीज कंडीशन देखेंगे कि नेल बाइटिंग क्या होती है। नेल बाइटिंग मोस्टली एक ओरल बैड हैबिट होती है, स्पेशली इन स्कूल एज चिल्ड्रन बियॉन्ड 4 ईयर ऑफ एज। मोस्टली यह 5 से 7 साल के बच्चे जो कि स्कूल गोइंग एज के होते हैं उनके अंदर यह कंडीशन देखने को मिलती है। इट इज साइन ऑफ टेंशन एंड सेल्फ पनिशमेंट,
टेंशन में रहता है, और क्या होता है कि पेरेंट्स के द्वारा उसे कोई हॉस्टाइल फीलिंग दी गई हो, उसे कोई सजा दी गई हो बच्चे को, तो उस सजा की फीलिंग से बाहर निकलने के लिए बच्चा अपने नेल्स को बाइट करने लगता है, नेल्स को काटने लगता है खुद। इसके कारण क्या है? फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी, बच्चा अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगता है, तो उसके कारण नेल बाइटिंग करता है। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ों के कारण होस्टालिटी, उसके अंदर शत्रु की भावना है, दुश्मनी की भावना है, उसके कारण प्रेशराइज स्टडी एट होम और स्कूल, बच्चे को घर या स्कूल के अंदर प्रेशराइज स्टडी करवाई जाती है, फोर्सली स्टडी करवाई जाती है, तो बच्चा नेल बाइटिंग करने लगता है। आगे है इसके साइन सिम्टम क्या क्या है। इट मे बी कॉन्टिन्यूस अप टू एडोलसेंट एज, या मोस्टली एडोलसेंट एज के अंदर देखने को मिलती है। चाइल्ड मे बी बाइट ऑल 10 फिंगर्स नेल्स एंड एनी स्पेसिफिक वंस। क्या होता है कि बच्चा अपनी दसों की दसों उंगलियों को, ऑल 10 फिंगर्स को, या फिर किसी एक फिंगर को बाइट कर सकता है। द बाइट मे इंक्लूड द क्यूटिकल और स्किन मार्जिन ऑफ नेल बड और सराउंडिंग टिश्यू। क्या होता है कि बच्चा अपने नेल बड और उसके सराउंडिंग टिश्यू या फिर उसके आसपास की स्किन मार्जिन को कट कर सकता है। आगे है इसकी मैनेजमेंट क्या करेंगे। अगर बच्चा नेल बाइटिंग करता है तो उसके लिए हम क्या मैनेजमेंट करेंगे। फर्स्टली द कोज शुड बी आइडेंटिफाई बाई द पेरेंट्स एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हेल्प एंड टेक स्टेप फॉर रिमूविंग द बैड हैबिट। क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे, पता लगाने की कोशिश करेंगे पेरेंट्स के द्वारा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से, और स्टेप्स को फॉलो करके इस बैड हैबिट को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। द चाइल्ड शुड बी प्राइज फॉर वेल कीप हैंड बाई ब्रेकिंग द हैबिट टू मेंटेन सेल्फ कॉन्फिडेंस। बच्चे की सेल्फ कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखने के लिए जब बच्चा अपनी नेल बाइटिंग की हैबिट को छोड़ना चाहता है तो उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। द चाइल्ड हैंड टू बी कीप्ड बिजी टू क्रिएटिव एक्टिविटी और प्ले। बच्चे के हाथों को किसी क्रिएटिव एक्टिविटी या प्ले के अंदर बिजी रखने की कोशिश करेंगे। पुनिशमेंट को अवॉइड करेंगे। पेरेंट नीड री अश्योर एंड असिस्टेंस टू एक्सेप्ट द चाइल्ड टू ओवरकम टू प्रॉब्लम। क्या करेंगे, पेरेंट्स को रीअश्योर करेंगे, पेरेंट्स को रीअश्योर करेंगे कि बच्चा है वो ठीक हो जाएगा, उसकी यह बैड हैबिट छूट जाएगी। और इसके अलावा असेस करेंगे टू असेप्ट द चाइल्ड टू ओवरकम टू प्रॉब्लम, और बच्चे को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी।